गुड इवनिंग टू ऑल। मैं मनु सिकरवार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। इस जो साइंस पॉपुलर जो टॉपिक्स पर जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ जो हम वेबिनार सीरीज कर रहे हैं, और आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला, जो कि फैकल्टी साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के अंदर। एक बहुत ही मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको सुनने के लिए मैं भी काफ़ी हूँ सुनने के लिए, उसके लिए वो आज आपके साथ उस पर डिस्कस करेंगे। और मैं वेलकम करूँगा इनियास से, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेस से, डॉक्टर सुगंधा माहेश्वरी मैडम का। वो हमारे साथ आइजर मोहाली से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ स्टूडेंट्स एंड दूसरे जो फैकल्टी भी हैं कुछ कुछ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा की तरह हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स के थ्रू डॉक्टर मौला से रेज करेंगे, जो हमारी क्वेरीज होंगी। और जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वहाँ से भी हम क्वेरीज उनके लेंगे। अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सुगंधा माहेश्वरी से कि वो इनिशियली प्रोग्राम को स्टार्ट करें। थैंक यू मनु जी, एम आई ऑडिबल? थैंक यू जी, आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए और इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी अच्छी सीरीज को बच्चों के समक्ष लाने के लिए, सो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल सीरीज। एंड आज हमारी फिफ्थ टॉक है जिसमें हमारे पास स्पीकर हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए। ये फैकल्टी साइंटिस्ट हैं ICAR, नेशनल राइस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि कटक में है, और इन्होंने अपनी PhD की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से। उसके बाद ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए गए थे पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी USA में। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रिसीव करके वहाँ पे गए थे, जो कि बहुत ही एक मान्य बहुत ही प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है। और अगर आप इसके बारे में चेक करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे, तो आप में से भी कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च वर्क के लिए दी जाती है। और जो डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला है इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो बेसिकली है जीनोम एडिटिंग में, जिसके बारे में अभी आपको पता चलेगा, वो और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से अपनी टॉक में। और ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी को और बहुत सी जो एडवांस्ड एडिटिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, तो ये सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, इनका जो रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड है। जो है अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होती हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने बुक भी को एडिट की है। ये एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हैं PLOS ONE और फ्रंटियर्स इन जीनोम एडिटिंग जर्नल्स के, और उसके साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम पर हैं। यंग साइंटिस्ट अवार्ड इनको मिला है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता की तरफ से। इनको PhD थीसिस अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू आउटस्टैंडिंग PhD थीसिस अवार्ड भी मिला है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली से इनको मिला था। और अभी रिसेंटली 2020 में इनको प्रेस्टिजियस इंसा मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट मिला है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए। एंड करंटली इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस यानी कि इनियास फैमिली को ज्वाइन किया है, और इसीलिए हम इनसे जुड़ पा रहे हैं। तो बहुत वक्त ना लेते हुए अभी मैं आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर कुतुबुद्दीन मौला टू स्पीक ऑन जीनोम एडिटिंग इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन होप और हाई। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वी आर रियली एक्साइटेड to this talk, Dr. Kutubin, over to you. Oh, thank you very much, Dr. Sugandha Maheshwari, for nicely introducing me. And you know, this is a lecture in Hindi, so I'm very excited. Kyunki ye mera pehla Hindi lecture hai, and that's why I'm excited. Another aur ek karan bhi hai, wo karan hai main genome editing ke bare mein main bolne ja raha hu, wo bhi excitement ka karan hai. So my slide is full of excitement. So yeah,
So I also want to thank Dr. Manu Sikarwar for nicely coordinating this web series and especially conducting it in local language. Sometimes language becomes barrier for communication, especially science communication ke jab baat karte hain zyada tar lecture English mein hi hoti hai to bahut sare logo ke paas pahunch nahi pate hain because of the language. So aaj ye koshish to main bahut hi qabil e tareef hai aap dono ko main bahut dhanyawad kehna chahunga. Let me share my screen. Okay. I think now it is visible. Yeah, it is visible. Okay, thank you. So so aaj main baat karunga genome editing ek jo tools hai aur techniques ek upakaran hai jisme se hum bahut kuch kar sakte hain apna krishi mein and also in human health. So this is Jennifer Doudna in collaboration. Ye Jennifer Doudna professor hai University of California Berkeley ka and unhone collaborate kiya Emmanuel Charpentier ke sath. And उन्होंने फास्ट एक साइंस पेपर पब्लिश किया 2012 में इसी जीनोम एडिटिंग एक उपकरण के ऊपर एंड उसके बाद ये फास्ट पब्लिकेशन था उस उपकरण के ऊपर एंड उसके बाद ओनली इट टुक 8 ईयर्स ओनली 8 साल नोबेल कमिटी को लगा है इनको चुनने के लिए क्योंकि इनका डिस्कवरी और इन्वेंशन डिजर्व्स अ नोबेल प्राइज. यू नो इन 2020 Jennifer Doudna and Emmanuel Charpentier, both of them got a chemistry Nobel Prize for the development of a method for genome editing. So you know, in Nobel Prize ke history mein, ye sabse tez winning history hai, Nobel Prize winning ka. So kya is technology aur kya is upakaran mein hai jo inko itna jaldi se Nobel Prize dilwaya. So ye mera pura next jo slides hoga usme sab kuch aap log bahut acche se मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा. सो लेट मी गिव यू द आउटलाइन, मतलब मैं क्या बोलना चाहूंगा, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन से आपको क्या मिलेगा. सो ये मैं पूरा प्रेजेंटेशन को 3 हिस्से से मैं डिवाइड किया हूँ. फर्स्ट पार्ट पे मैं थोड़ा सा मेथड के बारे में बताऊंगा, मतलब कैसे जीनोम एडिटिंग हम करते हैं और क्यों करते हैं, और उससे थोड़ा हटके थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम बेस एडिटिंग बोलते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको मिलेंगे. पार्ट टू में हम बताएंगे इसको कृषि क्षेत्र में कैसे इस टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और हमारा फूड सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है. पार्ट थ्री और लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन वुड बी मीन्स मैं उन पे डिस्कस करूँगा जिसमें जीनोम एडिटिंग का इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड थेराप्यूटिक्स में. सो इट इज़ फुल ऑफ यू नो एक्साइटिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स. सो जीनोम एडिटिंग जानने से पहले ऑब्वियसली हमें जानना पड़ेगा जीनोम क्या है. सो जीनोम इज अ फुल सेट ऑफ डीएनए, मतलब आप जानते हैं हमारे बॉडी में या कोई प्लांट ये सब बना हुआ है कोशिका से, और एक एक कोशिका के अंदर जितना अनुवंशिक जानकारी या तत्व है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठे हम जीनोम कहलाएंगे. So, इसको जेनोम कहते हैं क्योंकि ये जेनोम इट एक्चुअली गिव्स ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन फॉर ए सेल टू फंक्शन. सो एक कोशिका का फंक्शन के लिए और अच्छे से काम करने के लिए, एक पूरा ऑर्गेनिज्म का काम करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन और तथ्य चाहिए सब इसी जेनोम में रहता है. सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कोशिका का और कोई भी जैविक ऑर्गेनिज्म का. सो If I want to go deep into the understanding, so इसमें देखिए हमारा जो शरीर है, मानव शरीर में almost 37 trillion कोशिका है. Similarly आप अगर देखेंगे example plant की तरफ से है तो वो धान के पौधे जिसमें मैं research करता हूँ वो भी trillion of cells देके तैयार हुआ है. So अगर मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक कोशिका का example दूँ, ये एक उद्भिद कोशिका है जिसमें ये न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस ये माना जाता है न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है. सेल के अंदर जो
कोशीय अंगन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही वो आनुवंशिक जानकारी और आनुवंशिक तथ्य रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है। सो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए, कॉइल्ड कॉइल ऑफ डीएनए। सो क्रोमोसोम तैयार होता है एक लंबा धागा जैसा डीएनए है, वो डीएनए जब कॉइल करके क्रोमोसोम तैयार करता है, किसके ऊपर कॉइल करता है? वो करता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। सो आप हिस्टोन प्रोटीन भूल जाइए, खाली याद रखिए डीएनए के बारे में। सो डीएनए इज आवर आनुवंशिक जानकारी और तथ्य देता है पूरा कोशिका को फंक्शन करने के लिए। सो ये है एक धागा जैसे लंबा थ्रेड। आप अगर आप अपना शरीर का सब सेल से डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को एंड टू एंड आप जोड़ेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ से मून तक आप 15 टाइम्स सफर कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा 15 टाइम्स कंप्लीट कर सकते हैं, इतना लंबा है। मगर इतना लंबा डीएनए का सभी पोर्शन और सभी अंश इंपॉर्टेंट नहीं है। सम पोर्शन आर फंक्शनल, दोस फंक्शनल पोर्शन मतलब जो काम करता है उस पोर्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जिसको हम जीन बोल के जानते हैं, क्योंकि जीन जब एक्सप्रेस करता है मतलब जीन जब अभिव्यक्ति करता है तब वो प्रोटीन तैयार करता है, और ये प्रोटीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। जैसे आप अगर यहाँ पे जो एग्जांपल मैं दिया हूँ, आप देखिए प्रोटीन किससे तैयार हुआ है, प्रोटीन अमीनो एसिड दे के तैयार होते हैं। आप यहाँ देखिए सर्कल है, जो जो एक एक सर्कल है डिफरेंट कलर्स का, वो एक एक सर्कल एक एक अमीनो एसिड होता है, और 20 डिफरेंट एसेंशियल अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी कैरेक्टर को एक्चुअली निर्देश करता है। सपोज आपके स्किन कलर, आपका आई कलर, आपके हेयर, आपका टॉलनेस, डुअर्टनेस, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दिस काइंड ऑफ जीन एंड प्रोटीन। सो अभी हमें जानना पड़ेगा डीएनए और जीन के अंदर क्या है। सो डीएनए इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट जेनेटिक लेटर्स। सो जेनेटिक लेटर्स हमारे डीएनए में जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स का है। एक है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। सो इसको हम सिंप्लीफाइड वे से AGCT कहते हैं। सो ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स एक्चुअली मेक्स आवर जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड एक्चुअली कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम जीन 1 टू जीन 2, देर इज नो डिफरेंस इन द जेनेटिक लेटर्स, बट ओनली डिफरेंस इन द सीक्वेंस। ओनली सीक्वेंस अलग होता है, इस लेटर का सीक्वेंस अलग होता है, मतलब इसका अनुक्रम एक जीन से दूसरा जीन में अलग अलग होता है। सो अनुक्रम अलग मतलब जीन भी अलग, मगर लेटर 4 ही है कॉन्स्टेंट। नाउ इफ आई एक एक मिसाल के तौर पे मैं ये जीन सीक्वेंस आपके सामने रखा हूँ, आप देखिए इसमें इसमें दो स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सो ये एक स्ट्रैंड है नीचे का और एक स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आप देखिए आप अगर गौर से देखेंगे इसमें क्या है, इसमें 4 ही लेटर है ATGC, उससे ज्यादा कोई भी लेटर आपको नहीं मिलेगा, और ये सीक्वेंस एक्चुअली डिफाइंस ए जीन एंड इट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम ए जीन टू अनदर जीन। ओके सो नाउ मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगा, धान के पौधे एंड बैक्टीरिया के बीच कैसे इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो मान लीजिए ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये एक कोशिका है, धान का कोशिका है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जीनोम में एक जीन है, जो जीन का नाम है स्वीट जीन। ये स्वीट जीन है जो पर्पल कलर का स्वीट जीन है। स्वीट जीन क्या करते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, मैं क्या बोला हूँ, जीन जब एक्सप्रेस करता है एक प्रोटीन तैयार करता है। यहाँ पे भी स्वीट जीन जब एक्सप्रेस करता है वो स्वीट प्रोटीन तैयार करता है, और ये स्वीट प्रोटीन ये कार्य करता है एक ट्रांसपोर्टर और एक पाम के जैसे, और इसका काम है ये अंदर से शुगर और सुक्रोज को बाहर लेके जाएगा, सेल का अंदर से वो बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा एज ए पंप। सो नाउ देयर इज अ बैक्टीरिया, उस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनस ओराइजी ओराइजी। ये बहुत चालाक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो इन्फेक्ट करना चाहेंगे वो राइस का कोशिका को। तो वो जब आता है राइस के ऊपर तब वो एक सिक्रेट करता है एक प्रोटीन, वो प्रोटीन का नाम है टेल इफेक्टर।
और ये प्रोटीन जाके उस डीएनए सीक्वेंस में बाइंड करता है, स्वीट जीन का पहले थोड़ा सा डीएनए सीक्वेंस है वहां पे और जाके बाइंड करता है। यहाँ पे आप देखिए जब ये बाइंड करता है, इनका काम ही है जब बाइंडिंग हो गया सक्सेसफुल तब ये क्या करता है, इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन। इंड्यूस मतलब इसका एक्सप्रेशन को ज्यादा कर देता है, किसका, स्वीट जीन का। सो ज्यादा एक्सप्रेशन होगा मतलब ज्यादा प्रोटीन तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ज्यादा प्रोटीन हो गया एंड ज्यादा ट्रांसपोर्टर और ज्यादा स्वीट पंप अवेलेबल हो गया सेल मेम्ब्रेन में। सो इसका मतलब ये ज्यादा सुक्रोज अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा। सो जब ऐसा सिचुएशन होगा, आप अभी सोचिए ये जो बैक्टीरिया क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा ट्रिक किया, क्योंकि बैक्टीरिया का खाना है ये सुक्रोज और शुगर, उसका न्यूट्रिशन है। सो जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो माइक्रोब्स तो बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इनके पास इनाफ न्यूट्रिशन है, उसका एनर्जी सोर्स है। सो आप देखिए ये बैक्टीरिया कितना चालाक है, ये खुद एक राइस का जीन को इस्तेमाल करके अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद वो इन्फेक्शन करता है और राइस प्लांट में मतलब धान का पौधे में एक डिजीज होता है, उसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज। सो देखिए यहाँ पे जो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा करके, कंडीशन ऐसा है, दिस इज स्वीट जीन और उससे पहले का डीएनए सीक्वेंस ये है। यहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसका नाम है ईबीई सीक्वेंस, एलिसिटर बाइंडिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पे आके ही ओनली ये जो प्रोटीन बैक्टीरिया से आता है वो आके यहाँ पे बाइंड करता है बहुत स्पेसिफिकली, ये दूसरा कोई डीएनए में बाइंड नहीं करता है। और ये स्पेसिफिकली बाइंडिंग के बाद ही स्वीट जीन को ओवर एक्सप्रेस करता है, ज्यादा एक्सप्रेशन करता है। सो नाउ अगर मैं आपको और भी थोड़ा डीप में जाके दिखाऊं ईबीई कैसे दिखते हैं, नीचे देखिए ये जो सीक्वेंस है ये ईबीई सीक्वेंस है, ये 23 टू 24 जेनेटिक लेटर्स है, इसी को हम ईबीई सीक्वेंस बोलते हैं और इसी सीक्वेंस में आके बाइंड करता है। नाउ आप अगर गौर से सोचेंगे यहाँ पे एक हाइपोथेसिस और एक काल्पनिक डेवलपमेंट आप अपने दिमाग में ला सकते हैं, वो क्या है, कैन वी स्पेसिफिकली डिसरप्ट द ईबीई सीक्वेंस इन द प्रमोटर। सो यहाँ पे जो ईबीई सीक्वेंस है उसको अगर हम स्पेसिफिकली डिसरप्ट कर दिया, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया, सो टेल इफेक्टर और जो प्रोटीन बैक्टीरिया से आ रहा है वो आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर वो बाइंड नहीं कर पाएगा सिंपल है, सो स्वीट जीन और ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होगा, सो ज्यादा पंप नहीं तैयार होगा, सो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हमारा जो पौधे है राइस पौधे वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उस जीवाणु के अगेंस्ट में। Have you got my point? I think all of you got my point. So the A question का आंसर एक है, वो आंसर है the way of disrupting a gene sequence is genome editing. So ये genome editing ऐसा एक चीज है that change the sequence in such a way that it no longer works. Now, if I go want to give you some other analogy, so आपको और भी analogy अगर हम देना चाहूँगा, example देना चाहूँगा, suppose ये है वो EBE sequence, उसको आप ताला लगा दीजिए ऐसे, जो और bacteria का protein वहाँ पे bind नहीं कर पाएगा और suit को express भी नहीं कर पाएगा। So let me give you all another simplified version. So you know this is suppose ये genetic letters है, it is written I am functional. So, ये बहुत अच्छा है, इसमें बाइंड कर सकता है बैक्टीरिया का प्रोटीन। नाउ व्हेन यू डू जीनोम एडिटिंग, आप जब जीनोम एडिटिंग करेंगे तब यहाँ पे थोड़ा सा तीन लेटर एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया लाल कलर के, क्या है, नॉन, एंड नाउ इट बिकम्स आई एम नॉन फंक्शनल। सो नाउ जब ऐसा जेनेटिक लेटर चेंज हो जाएगा तब बैक्टीरिया का प्रोटीन टेल इफेक्टर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, सो हमारा प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा। एडिटिंग ऐसे काम करते हैं। ओके, सो एडिटिंग के उपकरण बहुत सारे हैं, जिस उपकरण के बारे में आज मैं ज्यादा बात करूंगा वो है क्रिस्पर कैस9, मगर उससे पहले ये आया था मेगा न्यूक्लियस, जेडेफेन, टैलेन, दीज आर द ऑल टूल्स रिसेंटली डेवलप्ड टूल्स, बट क्रिस्पर कैस9 ये जो उपकरण है जो जेनिफर डॉट एंड इमैनुअल शार्पेंटियर ने डेवलप किया था, उससे उनको नोबेल मिला था। सो इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ईजी टू ऑपरेट है, ये बहुत ईजी टू हैंडल है और बहुत चीप टू ऑपरेट है, इसीलिए क्रिस्पर कैस9 ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब मेरा पूरा स्लाइड्स क्रिस्पर कैस9 के ऊपर ही है आज। सो आप देखिए यहाँ पे आपको मैं एक सदृश दिखाने के लिए, एक बहुत इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्लाइड है।
गौर से आप देखिए इसमें. सो क्रिस्पर कैस9 कैन कॉज टारगेटेड इनएक्टिवेशन ऑफ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए और जीन. सो क्रिस्पर कैस9 एक उपकरण ऐसा है जो सीजर के तरह काम करते हैं. आप जिस जीन को टारगेट करेंगे अपने जीनोम में, उस जीन में ये जाके उसमें कट कर सकता है और उसका फंक्शन खराब कर सकता है, फंक्शन विनष्ट कर सकता है. कैसे करते हैं इसको? इस उपकरण में दो पार्ट होता है. एक पार्ट है कस्टमाइजेबल आरएनए. कस्टमाइजेबल मतलब आप इसको खुद डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स पार्ट नहीं है. इसको आप अपना तरीका से डिजाइन कर सकते हैं. अगर आपका जीन आप बदल जाएगा तो आप आरएनए भी आपको बदलना पड़ेगा. सो इस कस्टमाइजेबल आरएनए को हम कह सकते हैं इसको जीनोमिक एड्रेस. और ये जो है और एक प्रोटीन, इसका नाम है कैस9. ये एक डीएनए कटिंग प्रोटीन है जिसके, अगर इसको मैं बोलूं, ये एक पोस्टमैन की तरह है. पोस्टमैन जिसका जेब में दो सीजर है. अभी ये पोस्टमैन और ये है जीनोमिक एड्रेस. अगर ये जीनोमिक एड्रेस पोस्टमैन को मिलता है तो पोस्टमैन जीनोमिक एड्रेस को लेता है और इस उपकरण को अगर आप सेल के अंदर डालते हैं तो सेल के अंदर जाके वो जीनोम में सर्च करेगा. जीनोम में सर्च करेगा कहाँ पे सिमिलर एड्रेस है. सिमिलर एड्रेस मतलब आरएनए में जो जेनेटिक लेटर है, जीनोम के अंदर डीएनए में कहाँ पे सेम डीएनए लेटर्स है वो ढूंढेगा. ढूंढने के बाद जब उनको सिमिलर एड्रेस मिल जाएगा वो वहां पे बाइंड करेगा. आप देखिए ये आरएनए इस डीएनए के साथ बाइंड कर गया. बाइंड होने के बाद अभी पोस्टमैन को सिग्नल मिल गया. पोस्टमैन ढूंढ पाया उनका एड्रेस, जिस एड्रेस में उनको काटना है. सो जब फुल सिमिलरिटी मिल जाता है पोस्टमैन को पता चल जाता है ये एड्रेस में हमें काटना पड़ेगा. सो तब वो क्या करता है, उनके पास तो दो सीजर है मैं बोला हूँ. वो सीजर से, एक सीजर से डीएनए, मैं आपको पहले स्लाइड में दिखाया हूँ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. एक स्ट्रैंड में एक सीजर देके काटते हैं, दूसरा स्ट्रैंड में दूसरा सीजर देके काटते हैं. ओके सो अभी देखिए आप अगर आरएनए ऐसे डिजाइन करेंगे जो जीन वन में बाइंड करेगा तो आपको कैस9 जाके जीन वन को काट करेगा. आप आरएनए ऐसे डिजाइन कीजिए जो जीन टू में बाइंड करेगा तो कैस9 जाके जीन टू में काट करेगा. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक. ये बहुत स्पेसिफिक एक उपकरण है जिसमें से आप डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट में. नाउ अभी तो ये क्लियर हो चुका है लगभग. ये बहुत अच्छा है टारगेटेड काट करने के लिए, मगर जीनोम एडिटिंग के बारे में मैं अभी तक कुछ नहीं बताया हूँ. उसका आंसर यहाँ पे है. आप देखिए यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया. कैस9 मतलब पोस्टमैन तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर दिया. अभी देखो मैं अभी पहले स्लाइड में क्या बोला हूँ, डीएनए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट एक चीज है एक कोशिका के लिए, एक जैविक ऑर्गेनिज्म के लिए. वो है क्योंकि इसके अंदर अनुवंशिक जानकारी और तथ्य होता है. सो सेल ये डैमेज और ये जो ब्रेक है इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और तुरंत उसको तुरंत उसको रिपेयर करने के लिए उनका जो मशीनरीज है उनको लगा देते हैं. सो ये एनएचजे इज अ मशीनरी जो इस ब्रेक को सील करेगा, दोनों एंड को सील करेगा. अभी देखो सीलिंग के टाइम पे ये जो रिपेयर मशीनरी है ऑलमोस्ट ऑलवेज ये सही से रिपेयर करते हैं. मगर आप देखो अगर आप 10 बजे जाते हो कॉलेज में या कोई भी ऑफिस में, 10 बजे से 1 बजे तक आप बहुत अच्छे से काम करते हो, मगर जब 5 हो जाता है 4 हो जाता है तब आपका एफिशिएंसी घट जाता है. ऐसे ही ये परफेक्ट रिपेयर करते हैं फिर से कैस9 काटते हैं, परफेक्ट रिपेयर करते हैं फिर से कैस9 काटते हैं. ऐसे करते करते कभी कभी ये गलती कर जाता है और ये एरर जब करते हैं ये तब क्या करते हैं, रैंडमली कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक लेटर इंसर्ट कर देते हैं या कुछ ओरिजिनल जेनेटिक लेटर को डिलीट करते हैं. सो ये मैं रेड कलर से यहाँ पे दिखाया जो एक्स्ट्रा रैंडम इंसर्शन और डिलीशन. अभी देखो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ जीनोम जीन का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेसिस और एक्स्ट्रा जेनेटिक लेटर आ गया और मे बी ओरिजिनल लेटर डिलीट हो गया, सो इसमें से पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है. इसका जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है और इससे ये जीन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो खराब होता है. सो ये जीन नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ये जीन
इसको इसको कहते हैं जीन नॉकआउट। ये बहुत हाई एफिशिएंसी से हम कर पाते हैं कैस9 देखे। सो कोई भी जीन का फंक्शन अगर आपको नहीं चाहिए और ये खराब जीन है कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, सो उनको आप इजीली कैस9 से डिसरप्ट कर सकते हैं उसका फंक्शन, और आपको वो फायदा मिलेगा। हो सके तो ये कृषि में भी हो सकता है, ये हेल्थ में भी हो सकता है। ओके सो ये वीडियो आपको और भी अच्छा से इसको मतलब आप और भी अच्छा से समझेंगे ये वीडियो देखने के बाद। Two components to the system, a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone, often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. Okay, so this is how it works. Now, first part अभी हो चुका है, अभी second part में मैं आ रहा हूँ और इस part में मैं बात करूँगा कैसे genome editing is hugely impacting agriculture worldwide. कृषि में कैसे इसको इस्तेमाल हो रहा है और होने जा रहा है इसके बारे में आपको पता चलेगा इस सेक्शन से। सो यू नो हमारे पास अभी बहुत सारे समस्या है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत मतलब तेजी से ज्यादा हो रहा है एंड इन 2050 इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच दैट 9 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। सो हमें इतना पॉपुलेशन को खिलाना है, उसके लिए हमें फूड चाहिए, मगर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइक यू नो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है कृषि के लिए चाहिए वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, घटते जा रहा है, और हमारे पास कृषि करने के लिए जो खेती है उसका भी वो भी सीमित होने जा रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। एंड ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज, इसका बहुत इम्पैक्ट है कृषि में, और ये क्लाइमेट चेंज होने के वजह से बहुत सारे नया मतलब कीटाणु और जीवाणु भी आ रहा है जो बहुत नुकसान पहुंचाता है और हमारा पौधे को। सो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत एंगल से जीनोम एडिटिंग काम पे आ रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ उसी का, जिसको देखिए मैं आपको आपके पास ये जीनोम एडिटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। सो यू नो पौधे में कुछ जीन होता है जिसका नाम है ससेप्टिबिलिटी जीन, जो पौधे का जीन होने से भी होने के बावजूद भी वो हेल्प करता है जीवाणु और कीटाणु का, उस जीन का नाम है ससेप्टिबिलिटी जीन, क्योंकि वो पैथोजन का डिजीज में हेल्प करता है। जैसे एक जीन ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ SWEET11 और स्वीट जीन, ये स्वीट जीन कैसे काम करता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप देखिए इस जीन को ये EBE सीक्वेंस को मैं आपके पास प्रश्न रखा था, ये EBE को अगर हम डिसरप्ट कर पाएंगे शायद हम इस बाइंडिंग को, अगर EBE डिसरप्ट हो जाए तो ये बाइंडिंग नहीं होगा, सो पैथोजन को फायदा नहीं होगा और पैथोजन इसमें डिजीज नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिकेशन आ रहा है जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने इसी हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके जीनोम एडिटिंग करके EBE को डिसरप्ट करके सीक्वेंस चेंज करके बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट राइस बना दिया, मतलब ये जीवाणु प्रतिरोधी धान डेवलप ऑलरेडी कर चुका है वर्ल्ड वाइड। सो मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ। से ये जो ऊपर का सीक्वेंस है यहाँ पे मैं बोला था ये EBE सीक्वेंसेस है, और यहाँ पे देखिए जीनोम एडिटिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 5 जेनेटिक लेटर डिलीट हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, टोटल 5 लेटर डिलीट हो गया, और ये डिलीट हो जाने से सीक्वेंस चेंज हो गया एंड सो EBE सीक्वेंस इज नॉट नाउ रिकॉग्नाइजेबल बाय द टेल इफेक्टर। सो बैक्टीरिया जो प्रोटीन सीक्रेट करता है वो अभी वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा है ये EBE है या दूसरा कुछ है, इसलिए वो नहीं बाइंड कर पाते हैं और इसलिए
प्लांट का रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, ये जो पैनल है इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का ये सिम्टम और ये रोग का लक्षण है। आप देखिए पूरा लीफ खराब हो गया, पूरा पत्ता खराब हो गया। बात ये जो तीन पैनल्स है ये सब जेनोम एडिटेड पौधे हैं, जिसमें आप देखिए छोटा थोड़ा थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। सो इसका इसका मतलब है ये ईबीई जीनोम एडिट होने से इसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। ओके सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्या ये तो मैं बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हूँ, क्या ऐसे मैं वायरस के अगेंस्ट में भी कर सकता हूँ? आप देखिए सिंपल है, यस द आंसर इज यस, क्योंकि वायरस जब कोई भी कोशिका में वो इन्फेक्ट करता है तब वो क्या करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो आनुवंशिक जानकारी उनके अंदर होता है डीएनए और आरएनए वो इंसर्ट करते हैं कोशिका के अंदर। जैसे आप मान लीजिए हमारा कोरोना वायरस जब ह्यूमन सेल और ह्यूमन हमारे मानव शरीर का कोशिका को अटैक करते हैं तब क्या करते हैं, कोरोना वायरस के अंदर आरएनए होता है, वो आरएनए इंसर्ट करते हैं हमारा मतलब मानव कोशिका के अंदर। ऐसे ही कोई भी वायरस के ये जनरल एक मतलब कैरेक्टर्स है, उनका डीएनए और आरएनए वो कोशिका के अंदर डालते हैं। तो आप अगर ऐसे करेंगे प्लांट सेल और पौधे का जो कोश है कोशिका है उसके अंदर आप कैस9 मतलब पोस्टमैन है और आप ऐसे गाइड आरएनए डिजाइन कीजिए जो जिसका एड्रेस होगा वो वायरल डीएनए, जो वायरल डीएनए आएगा वायरस के डीएनए उसका मतलब उसी का सीक्वेंस के सिमिलर एक आप गाइड आरएनए और जीनोमिक एड्रेस बनाइए। अभी देखिए ये कैस9 यानी गाइड आरएनए ऑलवेज विजिलेंट रहेगा अंदर पुलिस की तरह, जब बाहर से कोई भी वायरस इन्फेक्शन होगा और उनका उनका डीएनए अंदर आएगा तुरंत ये कैस9 और गाइड आरएनए जाके उस वायरल डीएनए के साथ जुड़ेगा और सिमिलरिटी मिलेगा और उसको चॉप कर देगा। और इफ डीएनए वायरस का डीएनए चॉप्ड आउट हो गया सो वायरस और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब वायरस का अपना संख्या वो बढ़ा नहीं सकते, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सो आपका प्लांट हो गया इम्यून और आपका प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता जेनरेट हो जाएगा। सो ऐसे आप वायरस रेजिस्टेंट प्लांट भी बना सकते हैं, ये कैस9 और जीनोम एडिटिंग टूल्स है। नाउ देखिए आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ और कोरोना वायरस का, जैसे कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, ऐसे बहुत सारे प्लांट का वायरस होता है जिसके अंदर आरएनए रहता है डीएनए नहीं रहता है। तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे प्रश्न पूछेंगे क्या मैं आरएनए वायरस के अगेंस्ट में ऐसा कर सकता हूँ? द आंसर ऑल्सो यस, क्यों? क्योंकि जैसा सपोज कैस9 जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया हूँ ऑलरेडी, कैस9 एक पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन है, दूसरा पोस्ट ऑफिस का दूसरा तरह का पोस्टमैन भी हो सकता है। ऐसा एक पोस्टमैन है कैस13 जो ऑर्थोलॉगस प्रोटीन है, कैस9 जैसा और एक प्रोटीन है जो कैस13 है, उनका नेचर सेम कैस9 जैसा है, ओनली डिफरेंस इज दैट कैस13 बाइंड्स एंड कट आरएनए नॉट डीएनए। कैस9 क्या करता है, बाइंड्स एंड कट डीएनए, बट कैस13 बाइंड्स एंड कट आरएनए। सो आपको सिमिलरली कैस13 यूज करना है अगर आप आरएनए वायरस के अगेंस्ट में अगर आप काम करना चाहेंगे और आरएनए वायरस के अगेंस्ट में आपके पौधे को रेजिस्टेंट बनाना चाहेंगे। ओके नाउ ये स्लाइड आपको आंसर देंगे, क्या हम जो मतलब प्रोड्यूस है उसको क्या बढ़ा सकते हैं? सो एक सपोज धान के पौधे में सपोज 15 ग्राम सीड्स होता है, उसको क्या हम 20 ग्राम कर सकते हैं? सो ये सब भी जीनोम एडिटिंग से कर सकते हैं। क्यों? जो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे है, मैं उतना एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है इतना। ये सब जीन का नाम है, जो जीन है नेगेटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब ये जीन जब एक्सप्रेस करता है ज्यादा तो उनका जो यील्ड होता है वो यील्ड घट जाता है, मतलब प्रोडक्शन पर प्लांट इज कॉल्ड यील्ड। सो यील्ड घट जाता है, सो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है प्लांट का प्रोडक्शन में। सो इसीलिए आप अगर इसको भी डिसरप्ट, इसका फंक्शन अगर खराब कर देंगे जीनोम एडिटिंग करके, सो आपका यील्ड ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही इतना ही ऑलरेडी पब्लिकेशन हो चुका है जिसमें इसका जीनोम एडिटिंग करके दिखाया गया यील्ड इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एक PYL जीन फैमिली है। अब देखिए यहाँ पे
जब तीन जीन इकट्ठे डिसरप्ट किया है, तीन जीन का फंक्शन को डिसरप्ट किया जीनोम एडिटिंग से, वो है PIL1, 4, and 6। आप देखिए यहाँ पे कितना इसका हाइट ज्यादा हो गया, और ये है नॉर्मल राइस प्लांट, नॉर्मल धान के पौधे जो है इतना हाइट है। यहाँ पे आप देखिए जब तीन जीन को डिस्टर्ब किया गया है, इसका हाइट ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टीला नंबर, मतलब ज्यादा टीला नंबर, ज्यादा सीड्स सब जेनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये एडिटेड है, ये नॉर्मल है। सो इसका बीच अंतर देखिए कितना ज्यादा हो गया है जीनोम एडिटिंग करने से। सो ऐसे ओनली पॉसिबल हुआ है जीनोम एडिटिंग आने के बाद, ये बहुत इजीली अचीवेबल हो गया। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो आपको जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। एक रैपिड डोमेस्टिकेशन, यू नो हमारा, आप लोग अभी जो भी खाते हैं वो ऐसे नहीं हुआ है, वो इवोल्यूशन से आया है और पहले वो ऐसा नहीं था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दिया हूँ, एक टियोसिंटे है जो 9000 ईयर्स लगा है, जो इवोल्यूशन के बाद और आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन के बाद अभी का मॉडर्न डे कॉर्न हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर्नल को गिन सकते हैं, 15 और मे बी 12 कर्नल पर कॉब, बट यहाँ पे एक कॉब में, एक कॉर्न का कॉब में देखिए 1000 ग्रेन होता है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी को बहुत अच्छा से मतलब सिक्योर किया हमारा फूड अवेलेबिलिटी को। मगर ये कितना टाइम लगा है नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, 9000 ईयर्स लगा है इसमें पहुंचने के लिए, मगर जीनोम एडिटिंग इसको ये ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में है। अब देखिए कोई भी वाइल्ड में ग्रो करता है, तो वाइल्ड अगर आप जाएंगे कोई मतलब फॉरेस्ट में जाएंगे, वहां पे जो प्लांट होता है वो फैल के ग्रो करता है, वो कॉम्पैक्टली ग्रो नहीं करता है, वो ज्यादा एरिया लेके ग्रो होता है। हियर इज एन एग्जांपल, ये है वाइल्ड टोमेटो, इसको आप देखिए इसका हैबिट कैसा है, मतलब ऐसा ऐसा करके ग्रो हुआ है, ज्यादा जगह ले रहा है। मगर कोई भी कल्टिवेटेड और डोमेस्टिकेटेड पौधे होगा, डोमेस्टिकेटेड मतलब हम हमारे एग्रीकल्चर के लिए उस हमारे मतलब जो सुविधा होगा ऐसे हम लोग बनाया है, वो डोमेस्टिकेटेड होता है। सो इसको डोमेस्टिकेशन, कोई भी डोमेस्टिकेटेड पौधे का एक ही फीचर्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बहुत कॉम्पैक्ट होगा, जो छोटा सा एरिया में ग्रो हो सके, सो छोटा सा फील्ड में हम ज्यादा उगा सकते हैं। ओके, सो ऐसा देखिए सेल प्रूनिंग बोल के एक जीन है जिसको जीनोम एडिटिंग किया है और ये कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया। आप देखिए कितना फैला हुआ था वाइल्ड, बट एडिटेड प्लांट देखिए कितना कॉम्पैक्ट हो गया है। सिमिलरली आप अगर देखेंगे ये वाइल्ड है, वाइल्ड टोमेटो, इसमें कितना आप गिन सकते हैं, 5 to 6 फ्लावर्स है इस इनफ्लोरेसेंस में। और जब ये जीन को एडिट किया गया है मल्टी फ्लोरा, तब देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ फ्लावर्स, कितना बढ़ गया, और इस इन्फ्लोरेसेंस में ब्रांचिंग हो गया। सो आप देखिए एक ही इन्फ्लोरेसेंस से आपको कितना फल मिलेगा, क्योंकि फ्लावर से तो आप जानते हैं फ्रूट होता है, यहाँ पे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप अगर देखेंगे फ्रूट के बारे में, सो यहाँ पे फैसिएटेड बोल के एक जीन है जिसको जीनोम एडिटिंग किया, और आप देखिए यहाँ पे वाइल्ड टोमेटो का साइज देखिए कितना छोटा है, और यहाँ पे देखिए जो एडिटेड प्लांट्स है उसमें देखिए कितना ज्यादा साइज हो गया, उसका लॉक्यूल नंबर भी बहुत ज्यादा हो गया। सो इसमें आपको यील्ड मतलब आप ज्यादा उगा सकते हैं सेम प्लांट से। सो एक वाइल्ड टोमेटो में अगर आप तीन जीन एडिट करेंगे, सो आप तीन जीन एडिट करने से आप उसको कल्टिवेटेड जैसे बना सकते हैं विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ टाइम। अगर नेचुरली करेंगे इसको बहुत टाइम लगेगा। सो ये रैपिड डोमेस्टिकेशन में बहुत हेल्प हो रहा है। ओके, सो कमिंग टू एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखिए हम तो कॉर्न तो खाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, मगर कॉर्न के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। और कैसा कॉर्न चाहिए, वॉक्सी कॉर्न चाहिए, क्योंकि वॉक्सी कॉर्न का एप्लीकेशन कहाँ पे है, इंडस्ट्री में प्रोसेस फूड में यूज होता है, एडहेसिव बनाने के लिए होता है, मतलब ग्लू बनाने के लिए, एंड हाई ग्लॉस पेपर बनाने के लिए। और कॉर्न और जो भी हम खाते हैं उसमें ना क्या रहता है, आप तो जानते हैं स्टार्च रहता है, और स्टार्च का दो कंपोनेंट होता है, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन। सो ये एक बायोकेमिकल पाथवेज है जहाँ से एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन तैयार होता है। एडीपी ग्लूकोज से थोड़ा सा जाएगा एमाइलोज होगा और बाकी हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन। सो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन मिल के टोटल स्टार्च होता है कोई भी कॉर्न में, इवन हमारा धान में भी सेम कंडीशन होता है। ओके, मगर वॉक्सी कॉर्न का कैरेक्टर ये है हाई एमाइलोपेक्टिन होना चाहिए,
ऑलमोस्ट फुल एमाइलो पेक्टिन होना चाहिए, तब उस कॉर्न का वैल्यू और भी ज्यादा हो जाता है, उसका इंडस्ट्री डिमांड होता है. सो एज अ जीनोम एडिटिंग इसमें अप्लाई किया है डूपॉन्ट पायनियर एंड कॉटेवे एग्री साइंस का साइंटिस्ट ने. उन्होंने क्या किया, आप देखिए एडीपी ग्लूकोज से एमाइलोज तैयार होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, एक प्रोटीन का, उस प्रोटीन का नाम है वॉक्सी WX1. एंड उन्होंने क्या किया, जीनोम एडिटिंग से ये WX1 जीन को पूरा डिलीट कर दिया है, यहाँ से काट किया, यहाँ पे दो गाइड आरएनए यूज किया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. सो दो देखे उसको जब काट किया वो बीच का पोर्शन डिलीट हो गया. सो वॉक्सी जब डिलीट हो गया उन्होंने ये डेवलप कर पाया ऐसा वॉक्सीकॉन जिसमें मोर देन 97% एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट. और इसको अभी बहुत सारे कंट्रीज में कमर्शियलाइजेशन के लिए अप्रूवल भी मिल गया. अब अगर देखेंगे ये है एक फील्ड व्यू, वन ऑफ माई फ्रेंड हुई रंगाओ एक्चुअली उन्होंने ये वर्क किया है. सो उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजा है कुछ दिन पहले कॉटेवे एग्री साइंस में. आप देखिए ये क्रिस्पर कैस वॉक्सी और ये नॉर्मल कॉन्वेंशनल म्यूटेंट वॉक्सी. आप देखिए दोनों के बीच कोई भी डिफरेंस आप नहीं देख सकते हैं. हाँ, खाली आप अगर एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा इसमें एमाइलोज ज्यादा है. सो अदरवाइज बाहर से फेनोटाइपिकली नो डिफरेंस, देयर इज नो चेंजेस एक्सेप्ट एमाइलोपेक्टिन चेंज. ओके देयर इज अनदर एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोग आप मशरूम खाते हैं. सो मशरूम जब आप काट के रखेंगे कुछ देर के लिए मशरूम क्या ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है वो कटिंग पोर्शन में, क्योंकि जब आप काटते हो तो ये प्लांट पोर्शन से क्या है ना फेनोलिक सिक्रेट होता है और उस फेनोलिक्स को पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज बोल के एक प्रोटीन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, करने से वो ब्लैक कलर का केमिकल तैयार होता है. सो ये जब मशरूम ब्लैक हो जाता है ना इसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, लोग उसको खरीदने नहीं चाहते हैं. तो इन्होंने क्या किया, इनोंग यांग फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया, ये जो मशरूम है उस मशरूम में जो जीन पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज का जीन है उस जीन को डिसरप्ट किया है जीन एडिटिंग करके, उसका फंक्शन को खराब कर दिया. सो अभी उन्होंने जो मशरूम उनको मिला है वो ज्यादा ब्राउन नहीं होता है, उनका नाम दिया गया नॉन ब्राउनिंग मशरूम. सो ये भी अभी अप्रूव्ड हो गया यूएसए में वो कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनोम, ये मैं हूँ. सो मैं उनके लैब में काम किया हूँ, मैं भाग्यशाली रहा उनके साथ काम करने के लिए. सो अभी देखिए दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वन, सोयाबीन. सो ये अगर आपको कोई पूछेगा नेम वन जीनोम एडिटेड ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑलरेडी इन मार्केट, सो आप इसका नाम क्या सकते हैं, कैलिनो. So Calino has 80% oleic acid, 80% oleic acid, 20% less saturated fatty acid. It's very healthy and ye almost olive oil ka jaise composition hai aise composition hai, ye bahut healthy hai isliye. Aur ye banaya gaya genome editing se magar CRISPR Cas se nahi hai, ek dusra upkaran se, uska naam hai Talen, jo main thoda sa zikr kiya hu main initial slide mein. Talen dekhe banaya ye professor Dan Hoyters and his group from University of Minnesota and this company Calixt. So ye abhi fully available hai, USA mein fully available hai for consumption. So wo log ye khate hai abhi. So this is Calino, is a genome edited soybean which has oil composition like olive oil. Okay, so now ye most recent news hai from Japan. So Japan abhi already taiyar kar chuka hai, isko bhi allow karenge ye genome edited high GABA tomato hai. So GABA matlab GABA is a amino acid, you know, but it is a non-protein amino acid. Ye protein mein nahi rehta hai magar ye amino acid bahut help karta hai kya kisme, relaxation and lowering blood pressure. You know, hamara abhi kya problem hai, abhi stress hai and high pressure mein hum log bahut matlab kya suffer karte hai. So agar aap aisa food khayenge jisme high GABA hai, matlab gamma amino butyric acid, so usme aapko help hoga blood pressure lower karne ke liye and relax karne ke liye. So ye bhi genome editing se ye log high GABA tomato banaya hai ek gene ko target karke, and isko wo log already approval de chuka hai, bahut jaldi aayega. ओके नाउ आपको पूरा डिफरेंट डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ. इतना दूर तो मैं बोल चुका हूँ खाली जीन को डिसरप्ट करने के लिए, मगर जीन को करेक्ट करने के लिए अभी मैं बोलने जा रहा हूँ. दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. सो यू नो आई थिंक
All of you probably know this one. Probably, I think most of you know that. So ये है अमिताभ बच्चन who played क्या औरो का role play किया था. ये पा सिनेमा में बहुत अच्छा movie था, पा movie में. So औरो 12 years old, उनका friend भी 12 years old. आप देखिए दोनों के अंतर कितना differences है, दोनों के बीच कितना अंतर है. So ये किस लिए, क्योंकि औरो सफर कर रहा है एक जेनेटिक डिजीज से. ये डिजीज का नाम है प्रोजेरिया, जो क्या कर देते हैं चाइल्ड को छोटा उम्र में ही उनको ऐसा दिखेगा वो 70 इयर्स ओल्ड है, बहुत एजेड हो गया. ये रैपिड एजिंग कर देते हैं चाइल्डहुड में. सो यू नो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर था इन दोनों के बीच, और वो क्यों सफर कर रहा था, एंड और वो क्यों 13 साल की उम्र में मर गया था, उनका क्या दोष था. ऐसे बहुत सारे चाइल्ड जो प्रोजेरिया से सफर करते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, वो भी 13-14 साल के अंदर मर जाता है. सो हम जानते हैं कारण, इसका कारण एक है, ये है जेनेटिक लेटर. हेल्दी चाइल्ड में लैमिन बोल के एक जीन है, उसमें जी न्यूक्लियोटाइड है, जी लेटर है. औरो और प्रोजेरिया इन्फेक्टेड जो है उनके अंदर ए न्यूक्लियोटाइड होता है, ए लेटर होता है. सो ये रॉन्ग लेटर होने के वजह से ये प्रोजेरिया से अफेक्टेड है. नाउ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका प्लांट का पर्सपेक्टिव से, आप देखिए ये प्लांट है किटाके, जिसमें सी लेटर है और ये पूरा डैमेज हो चुका है एक फंगस से. सेम फंगस कैन नॉट डैमेज इफ द सी इज रिप्लेस्ड विथ टी. ये सी से अगर टी में रिप्लेस हो गया, ये लेटर सी से टी हो गया, तो ये प्लांट में मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता जनरेट हो जाता है. सो यहाँ पे भी एक हाइपोथेसिस है, आप कल्पना कर सकते हैं. ये क्वेश्चन को आपको जवाब चाहिए अभी इस स्लाइड के बाद. इज देयर ए वे टू रीराइट जेनेटिक लेटर्स. रीराइट मतलब नॉट डिसरप्टिंग, स्पेसिफिकली रीराइट करना है. और के केस में ए टू जी लिखना है, ए से जी करना है, और इस केस में सी से टी करना है. द आंसर इज यस. बेस एडिटिंग इज द एडवांस टेक्नोलॉजी. ये एक उपकरण है जो डेविड ल्यू ने डेवलप किया MIT हार्वर्ड से. एक पेंसिल की तरह काम करता है और रीराइट कर पाता है एक लेटर से दूसरा लेटर. सो अभी हमारे पास जितना बेस एडिटिंग उपकरण है और टूल्स है, वो क्या कर सकता है, ए टू जी और वाइस वर्सा, टी टू सी और वाइस वर्सा, एंड सी टू जी कर सकता है. और इसमें यह थोड़ा मॉडिफाइड वर्शन ऑफ क्रिस्पर कैस है. क्या है ये, Cas9 है. Cas9 मतलब इसमें एक सीजर है और उसके साथ फ्यूज किया है डीएमएनएस बोल के एक नया प्रोटीन, मतलब उसके साथ जुड़ा गया है और ये बेस एडिटर हो जाता है और ये गाइड आरएनए जाता है आपके टारगेट में, जाके वो चेंज कर देता है. सो आपको और बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूँ इस स्लाइड से. यहाँ पे क्या गलती है आप सब समझते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, मैं नहीं बोलूंगा ये क्या है. सो ये आपका स्काई है, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये गलती है. नाउ आप जानते हैं ये गलती है, आप करेक्ट करना चाहते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस एडिटिंग उपकरण. जब करेंगे तो वो करेक्ट हो गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आपका स्काई इज फुल ऑफ दैट स्टार. सो ये ऐसा जेनेटिक लेटर आप अगर करेक्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें आप पूरा डिजीज को क्योर कर सकते हैं. इवन प्लांट को, बहुत प्लांट का जो बहुत सारे ट्रेड्स होता है और कैरेक्टर्स होता है, उसको चेंज कर सकते हैं अपना फायदे के लिए, कृषि के फायदे के लिए, ज्यादा फूड सिक्योरिटी करने के लिए. सो ये वीडियो आपको और भी इसी तरह से समझाएगा. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene. Yeah. So, okay. So, एक उदाहरण सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं ये मेरा डेटा रखना चाहता हूँ जो मैंने काम किया है राइस पौधे से, धान के पौधे से. ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम जेनोम में, राइस जेनोम में कितना क्रोमोसोम होता है, अगर आप एक कोशिका के अंदर जाएंगे उसमें 24 क्रोमोसोम होता है. सो क्रोमोसोम 4 में एक जीन होता है, उसके वो जीन का नाम है WSL5 जीन. ये WSL5 का स्मॉल आपको सिक्वेंस मैं यहाँ पे दिखाया हूँ. हम जब सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं और अनुक
क्रम एनालिसिस करते हैं, मतलब जीन का अनुक्रम एनालिसिस करते हैं, मतलब कौन सा लेटर कहाँ पे है. सो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऐसे देखते हैं. सो इसमें देखिए, ये जो ब्लू पीक है इसका मतलब यहाँ पे सी लेटर है, ग्रीन पीक है इसका मतलब ए लेटर है, ब्लैक पीक है मतलब इसमें जी लेटर है, और रेड पीक है इसका मतलब टी लेटर है. ऐसे हम लोग पूरा सीक्वेंस को पढ़ते हैं. अभी ये एक कंट्रोल प्लांट, कंट्रोल मतलब कि इसको कोई जीनोम एडिट नहीं किया, इसमें ऐसा सीक्वेंस है और हमने टारगेट किया ये ए न्यूक्लियोटाइड को, ये ए लेटर को चेंज करने के लिए कोशिश किया. किस में को चेंज करने के लिए कोशिश किया, ए टू जी. ऐसे ही बेस एडिटर एडिटिंग उपकरण हम लोग इस्तेमाल किया और हम लोग पूरा बहुत एक्साइटेड हो गया था ये देखने से. ऐसा रिजल्ट जो हमें प्लांट मिला है, उस पौधे में जो देखा हो, उस रीजियम को सिक्वेंसिंग करके ये ग्रीन पीक चेंज हो गया पूरा जी पीक में, मतलब ब्लैक पीक में. सो ए न्यूक्लियोटाइड हैज बीन प्रिसाइसली चेंज टू जी. सो ए न्यूक्लियोटाइड पूरा बहुत अच्छा से चेंज हो गया जी न्यूक्लियोटाइड में. अगर देखेंगे दूसरा कुछ चेंज नहीं हुआ आसपास में. अगर आप दो पीक हो, अगर आप मिलाएंगे, आप इजीली दोनों के बीच सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं, एक्सेप्ट दिस वन दैट वी टारगेटेड. हम लोग जो टारगेट किया तो उसी को चेंज किया, ये बेस एडिटिंग उपकरण. और ये चेंज हम लोग क्यों किया था, ये बहुत इंटेंशनली ये चेंज ही ये टारगेट किया था, क्योंकि हमें पता था ये सिंगल लेटर चेंज होने से यहाँ पे फेनोटाइप आएगा. फेनोटाइप मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं उसको फेनोटाइप कहते हैं. WSL5 मतलब व्हाइट स्ट्राइप लीफ. सो आप देखेंगे ये कंट्रोल है, मतलब ये बेस एडिटिंग ट्रीटेड नहीं है, और ये बेस एडिटिंग ट्रीटेड प्लांट है जिसमें हम लोगों को लीफ ऐसे कलर हो गया जो जो स्ट्राइप्ड व्हाइट स्ट्राइप लीफ फेनोटाइप. सो आप सोच सकते हैं ये सिंगल लेटर चेंज करने से जो फंक्शनल SNP है उसको चेंज करने से आपको ऐसे फेनोटाइप मिल सकते हैं. ऐसे बहुत मतलब काम का चेंज भी आप कर सकते हैं, जैसा मेरा एक एग्जांपल होगा नेक्स्ट स्लाइड. सो ये भी मेरा एक थोड़ा सा काम से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, टू गिव यू एन एसेंस ऑफ रियल डेटा. सो यहाँ पे आप देखिए, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है, क्लासिकल उदाहरण है जिसमें ये भी पीक है. आप जानते हैं एक जीन है राइस में, मतलब धान के पौधे में एक जीन है जिसमें यू नो स्टॉप कोडोन, TAG को स्टॉप कोडोन बोलते हैं. मतलब ये ऐसा सीक्वेंस अगर रहेगा, ये नॉर्मली जीन का लास्ट में रहता है, जीन खत्म हो जाता है उसके बाद स्टॉप कोडोन होता है. स्टॉप कोडोन क्या है, TAG सीक्वेंस. TAG रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो होता है कोशिका का, वो वहां पे जाके बंद हो जाता है, वहां पे जाके हॉल्ट करता है, क्योंकि इट इज अ रेड सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. नाउ इस केस में, हमारा केस में क्या हुआ है, एक राइस जेनोटाइप है, एक 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 तरह का राइस पौधों है जिसमें स्टॉप कोडन बीच में आ गया, जीन का बीच में आ गया. सो इसको कहते हैं प्री मैच्योर स्टॉप कोडन. ओके, सो जीन के बीच में जब आ गया तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी क्या करेगा, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द रेड सिग्नल फॉर देम. सो जब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो वो फुल लेंथ प्रोटीन तैयार नहीं कर पाएगा, छोटा सा प्रोटीन तैयार कर पाएगा. सो इसीलिए ऐसा पौधे वो डिजीज का संवेदनशील हो जाता है, मतलब रोगों से संवेदनशील हो जाता है, उसमें ज्यादा रोग होता है. नाउ हम लोग क्या कोशिश किया, हम लोग कोशिश किया क्या बेस एडिटर से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कि नहीं. सो हम लोग बेस एडिटर इस्तेमाल किया और देखिए TAG को चेंज करके क्या कर दिया, TGG, मतलब खाली एक को चेंज किया, एक को चेंज करके G बना दिया. सो ये सीक्वेंस चेंज होके TGG हो गया. सो TGG इज ए ग्रीन सिग्नल, TGG ग्रीन सिग्नल है उनके पास, कौन सा मतलब इसके पास, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के पास ग्रीन सिग्नल है. सो वो वहां पे स्टॉप नहीं होके वो एंड तक, अंत तक जाएगा और जाके फुल लेंथ ऑफ प्रोटीन तैयार करेगा, फिर स्टॉप होगा और हमारा जो पौधे है वो डिजीज मतलब रोग प्रतिरोध क्षमताशील बन जाएगा. सो ये एक बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट है. लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि मेडिसिन के बारे में मैं आपको ऐसा ऐसे उदाहरण आपको मिसाल दूंगा जो आप हैरान हो जाएंगे, जो जेनेटिक डिजीज में काम आ सकता है क्योर करने में. ओके, बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ. सो
यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए हम डिजीज को कैसे एनालिसिस करते हैं. नॉर्मली हम लोग सपोज औरों के बारे में आप सोचिए, आप औरों को लेके एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. औरों को जैसा मॉडल बनाते हैं, डिजीज मॉडल बनाते हैं ये सब ऑर्गेनिज्म में, क्या रैबिट है, गिनी पिग है, निमाटोड है, फॉग है, फिश है, उसमें सेम काइंड ऑफ सिचुएशन बनाना पड़ेगा जीनोम में, बना के वो उसको कहते हैं डिजीज मॉडल. और उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस डिजीज के बारे में. हम डायरेक्टली ह्यूमन में नहीं कर सकते उतना ज्यादा एनालिसिस. सो इसीलिए ये सब मॉडल में स्टडी होता है. मगर जो सिंगल चेंज, सिंगल रॉन्ग लेटर से डिजीज होता था और होता है ह्यूमन में, उसका जैसा मॉडल बनाना बहुत डिफिकल्ट था ये बेस एडिटिंग आने से पहले. मगर बेस एडिटिंग क्या कर रहा है, वो फटाफट वो सब मॉडल बना रहा है बेस एडिटिंग एप्लीकेशन से. अभी हमारे पास ज्यादा डिजीज मॉडल होने से हम ज्यादा उस डिजीज को स्टडी कर पाते हैं और बहुत जल्दी और तेजी से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और स्ट्रैटेजी निकल सकते हैं इस डिजीज को कैसे रोका जाए, इसका क्या इस्तेमाल, मतलब इसका क्या इलाज हो सकता है, सब कुछ हम स्ट्रैटेजीफाई कर सकते हैं. एंड अगर हमें लगेगा बेस एडिटर से उसको क्योर भी हो सकता है, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं पूरा इस सभी स्टेज में हम बेस एडिटर को अप्लाई कर सकते हैं वो क्योर करने के लिए वो डिजीज को. ये जानने से आपको खुशी होगी, अगर हमारा टोटल जो पैथोजेनिक पॉइंट म्यूटेशन है, मतलब टोटल जो रॉन्ग लेटर्स है ना हमारे जीनोम में, डिफरेंट लोगों के अंदर मानव शरीर में आता है, जितना रिपोर्टेड है उसका टोटल अगर आप 100% मान के चलिएगा, उसका 61% ऑफ दोस रॉन्ग लेटर्स ये क्योर हो सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेस एडिटिंग, हो सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेस एडिटिंग. So this is a very, very, मतलब what is called exciting news for medicine and human health. Okay, so few example. Let me give you few example. कुछ बहुत अच्छा paper, latest paper आपके साथ मैं share करना चाहूँगा. So you know ये एक recessive deafness है जिसमें deaf हो जाता है. ये inherited deafness है. मतलब DNA में change होने की वजह से ये आदमी कान सुनाई नहीं देता है उनको. So, ये किस लिए होता है, एक रॉन्ग लेटर सी के वजह से होता है, एक जीन TMC1 जीन. सो आप ये देखिए नॉर्मल कॉकलियर हेयर सेल, कॉकलिया मतलब जो एयर में कॉकलिया होता है उसमें आप आउटर कॉकलियर हेयर सेल आप देखिए ऐसे दिखते हैं उसको अगर आप फोटोग्राफी करेंगे माइक्रोस्कोपी में. और ये डेफ इंडिविजुअल, डेफ इंडिविजुअल में ऐसा कॉकलियर हेयर सेल होता है जो डैमेज्ड होता है जिसलिए इनको सुनाई नहीं देता है. अभी बेस एडिटर क्या किया, सी टू टी चेंज करने के लिए बेस एडिटर एप्लीकेशन हुआ है और इसको सी से टी सक्सेसफुली बनाया, जब तब वो लोग फिर से फोटोग्राफी किया और उसको डेफनेस को रिस्टोर किया एंड आप देख सकते हैं कॉकलियर हेयर सेल भी ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह बन गया है. सो इसका डेफनेस भी रिस्टोर हो गया because of this cochlear hair cell bhi restoration ke liye. So as a bahut important application ho raha hai. Okay, so ye blood cell I think most of you know that, aapko ye jankari hogi, ye normal red blood cell hai aur ye sickle cells anemia ka blood cell hai jo aise dikhta hai. So jab jiska sickle cell anemia hai, disease hai, wo bahut suffer karte hai kyunki usko blood transfusion karna padta hai, unko bahut pain hota hai, wo bahut suffer karta hai, inka koi ilaaj nahi hai. So regular blood transfusion karna padta hai. So you know ye kis liye hota hai, ye bhi ek genetic mutation se, ye genetic wrong letter ke liye hota hai. Ye wrong letter kya hai, ye A, ye hemoglobin ka ek gene hai. बीटा हीमोग्लोबिन में एक पोर्शन है जो अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल में होता है, ऐसा सेल में ग्लूटामिक एसिड होता है और जिसका डिजीज होता है सिकल सेल में होता है वैलिन बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग ए लेटर. सो ये ए लेटर को अगर हम चेंज करके जी कर पाएंगे तो वैलिन एलानिन हो जाएगा और ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये डिजीज नहीं दिखाता है. सो ऐसा ही कोशिश किया है ए टू जी कन्वर्ट करने के लिए डेविड ल्यू का ग्रुप जो पायनियर है इस फील्ड में. सो आप देख सकते हैं बेस एडिटिंग इन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रेस्क्यूज सिकल सेल डिजीज इन माइस, ये माइस में डेमोंस्ट्रेट किया है. आप देख सकते हैं ये अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड मतलब माइस मॉडल जिसका सिकल सेल डिजीज है उसमें ऐसा ब्लड रेड ब्लड सेल ऐसा दिख रहा है और जिसका एबीई मतलब बेस एडिटर ट्रीटेड है उसका ब्लड सेल देखिए ऑलमोस्ट रिकवर्ड हुआ है. आप अगर देखेंगे यहाँ पे ग्राफ,
सिकल सेल का परसेंटेज देखिए जो डिजीज माइस है उसमें ऑलमोस्ट 80% के आसपास है सिकल सेल, और यहाँ पे जिसका एबी मतलब बेस एडिटेड ट्रीटमेंट किया है उसका देखिए 20 से घट गया है सिकल सेल, मतलब नॉर्मल सेल बहुत ज्यादा हो गया. सो ये पूरा पूरी क्योर हो गया उस डिजीज से. ओके दिस इज एकदम ताजा डेवलपमेंट है, मई 2021 में पब्लिश हुआ है. आप जानते हैं चेक योर माइक ऑडियो सर, ऑडियो एक बार चेक करेंगे, बहुत कम आ रही है वॉइस. बहुत कम आ रहा है अभी, ठीक है? हाँ ठीक है सर, नाउ इट्स ओके. अच्छा तो मुझे पकड़ के बोलना पड़ेगा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी, थैंक यू सर. हां ओके श्योर. सो यू नो हमें ये सुनाई देता है कि आज या कल या मतलब कभी भी उनका उनके साथ मैं मिला था कुछ देर पहले, फिर उनका देहांत हो गया क्योंकि उनका एक हार्ट अटैक हुआ है और स्ट्रोक हो गया. सो ये कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ हो गया अभी का सिचुएशन में. सो इसके ये जो डिजीज है उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि ब्लड में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ज्यादा हो जाता है. ये जो येलो कलर का है ना, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल है. सो इसके लिए वो क्या करता है, आर्टरी को और हमारा धमनी जो होता है वो धमनी को क्लॉट कर देता है और ब्लड फ्लो मतलब बंद हो जाता है, इसीलिए स्ट्रोक और हार्ट अटैक होता है. सो इसको इन दोनों ने मिल के काम किया है यूएसए से, और उन्होंने आप देख सकते हैं ये एक सैंपल है फ्रॉम नॉर्मल पेशेंट जिसका हार्ट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है उसका देखिए, और जब बेस एडिटिंग किया है एक जीन में तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना घट गया है. और ये किया गया है कैसे, बेस एडिटर अप्लाई किया जो ए टू जी चेंज किया इस जीन को, PCSK9 जीन, जो जीन एक्चुअली वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इसको हम कैसे, वो लोग एक थेरापीटिक्स एप्लीकेशन भी दिया है एक कंपनी से, ये वार्वे 101 बोलते हैं. वो क्या करते हैं, ये बेस एडिटर का जो mRNA है और ये गाइड RNA एड्रेस, इसको एक लाइपोप्रोटीन के अंदर वो इनकैप्सुलेट करते हैं, इसके अंदर से वो ब्लड में ट्रांसफ्यूशन करते हैं, और फिर वो अंदर जाके क्या करेंगे, ये mRNA ट्रांसलेशन होगा, मतलब mRNA क्या तैयार करेगा, प्रोटीन तैयार करेगा, बेस एडिटिंग प्रोटीन, एंड देन वो PCSK9 में ही जाएगा क्योंकि एड्रेस यहाँ पे जो दिया हुआ है वो PCSK9 जीन का दिया हुआ है. PCSK9 जाके वो ए टू जी करेगा, तब PCSK9 इनहिबिट हो जाएगा, टर्नड ऑफ हो जाएगा, उस जीन को बंद किया जाएगा, और फिर आपको ऐसे वो ट्रीटमेंट मिलेगा जिसमें मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा. सो ये इन्होंने प्रपोज किया रिसेंट पब्लिकेशन से. सो दिस इज प्रॉब्ली माय लास्ट स्लाइड. सो डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब अबाउट दिस डिजीज, ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस, एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स मेनी एनिमल ऑल्सो. यहाँ पे प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन होता है, जितना दिन जाता है मसल का सेल नष्ट हो जाता है, सो वो चल नहीं पाता, इवन बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होता है. सो दिस इज एरिक ओल्सन हु इज वेरी फेमस वर्किंग ऑन दिस. सो उन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया है इसी टेक्नोलॉजी को, और आप देख सकते हैं ये जो तीन इमेज है, ये एक मसल का इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री बोल के एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें मसल सेल को मसल टिश्यू को हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ये नॉर्मल मसल ऐसे दिखते हैं, डॉग का पैर का मसल का ऐसे टिश्यू दिखते हैं, मगर ये जो तीन है, ये तीन है इनफैक्ट मतलब डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला डॉग को, डॉग का जो मसल है उसमें देखिए मसल कितना डिजेनरेट हो गया जिसमें स्टेनिंग ही नहीं हुआ, मगर ये है ट्रीटेड, जब ट्रीटमेंट किया गया है तब देखिए उसको रिकवरी कितना हो गया. ये DMD बोल के एक जीन है, डिस्ट्रॉफिन जीन है, उस जीन को रिकवर किया गया है, एंड ऐसे डॉग एंड माउस मॉडल में भी इसको ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 15-20% मसल टिश्यू को अगर रीजेनरेट कर पाएंगे सो इस डिजीज से आप बच सकते हैं, मतलब आप चल सकते हैं, मगर उन्होंने सक्सेसफुल हुआ है 52% रीजेनरेट मतलब करने में, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है.
अभी आपको अगर दिखाऊं इसका स्टेटस क्या है, क्रिस्पर क्लिनिकल ट्रायल्स में ये तीन एप्लीकेशंस है. वन इज मेकिंग कैंसर किलिंग टी सेल्स, ये क्लिनिकल ट्रायल में है. सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी क्लिनिकल ट्रायल में है. और एक जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, उसके लिए भी क्रिस्पर थेरापीटिक्स का अभी मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में है. और ये दिस इज विक्टोरिया ग्रे हु हैज फास्ट रिसीव्ड CRISPR gene therapy, gene editing treatment, and it is almost 2 years, and she is doing very well from the recent update that I got from Innovative Genomic Institute. So Victoria Gray is doing very well with this clinic because she is the subject in clinical trials. So this is my last slide. So as I talked about PA and Auro, I gave an example. So this technology has also applied in curing. In model mice who are suffering from progeria disease. So see this video. We have asking for the C7. We still have a very nice sleek coat. Still very, very active. If I were to pick them up, they can jump out of my hand quite literally. So they are best edited mice, you know, at the age of 11 months, so which is incredible. Thank you very much for your patience hearing, and I would love to take any question. मतलब आपका अगर कोई प्रश्न हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ. Thank you, Sugandha and Dr. Manu Sugawar. Thanks to you, Dr. Kutub, firstly for volunteering to speak, and secondly to prepare this presentation so well and describe so many things. बच्चों को आपने इतने अच्छे से सब कुछ जो बताया जीनोम एडिटिंग के बारे में. और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हिंदी में बहुत ही अच्छे से जो अपनी प्रेजेंटेशन को दिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको हिंदी में स्लाइड देनी पड़े, टॉक देनी पड़े, तो प्लीज़ बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने आज ये टॉक दी है. और लगा ही नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम हिंदी में इसको किया है. एंड फर्स्टली अ बिग हैंड टू यू फॉर सच अ नाइस टॉक, जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक से लेकर जीनोम की डेफिनेशन से लेकर उसकी मेजर एडवांसमेंट्स के बारे में हमें रूबरू करवाया. और स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड नोबेल प्राइज के बारे में इन्होंने बात की कि फास्टेस्ट यहाँ पे 8 ईयर्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला. और अभी आपने जो लास्ट टॉक अटेंड की थी सीवी रमन के बारे में, आपने देखा था कि उनको कितना टाइम लगा था नोबेल प्राइज तक पहुँचने में, रमन इफेक्ट के लिए उनको मिला था. तो हर तरीके की स्टोरीज जो हैं आपको देखने को मिलेगी रिसर्च में, बहुत ही वेराइटी आपको देखने को जानने को ले सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन्हीं सब चीजों के लिए आउटरीच एक्टिविटीज की जाती हैं. और डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने भी हमें बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ, मतलब बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ चीजों को बताया, जैसे नॉन ब्राउनिंग मशरूम के बारे में बताया. रिसेंट एडवांसमेंट है वो, अभी करंट मतलब आई वॉज नॉट अवेयर अभी उसके बारे में, बहुत पुरानी नहीं हुई है ये रिसर्च. और फिर आपने एक पा मूवी की क्लिप लेके रिलेट करके बताया, और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का एक रिलेटेबल एग्जांपल, ताकि हमेशा याद रहे कि एक लेटर का सीक्वेंस में कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट कैन बी. और उसके साथ साथ आपने अपने काम के बारे में भी हमें बताया कि लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं, इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लूंगी, और मैं फिर से यही कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे आपको जो एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के यंग साइंटिस्ट से आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है. मैं कुछ नया नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर मनु जी और डॉक्टर चंद्र जी आपको पहले इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स से आपको रूबरू होने का मौका मिल रहा है, और कितनी कहानियाँ हैं जो इनके पीछे आपको
जानने को मिल रही है, बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत सारी नॉलेज जो है आपके पास आ रही है, तो जितना हो सकता है इस सीरीज का फायदा उठाइए। इस टाइप से और भी हम एक्टिविटीज आपके लिए लाएंगे, अगर जैसे भी आप की इच्छा होगी, जिस तरीके से आप चाहेंगे, ताकि आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछा कीजिए, झिझकिए नहीं, और इस चीज का जितना हो सकता है फायदा उठाइए। तो कुतुब जी, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के, व्यूअर्स के पूछना चाहूंगी। राज ओझा जी हैं, रेगुलर यूट्यूब व्यूअर हैं हमारी इस सीरीज में, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, तो ये जानना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे इनका दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। ओके, सो यू नो ओपन रीडिंग फ्रेम जैसे एक जीन का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से वो mRNA तैयार करते हैं, उसके बाद प्रोटीन तैयार करता है। मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम इज द कोडिंग सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड को कोड करता है, मतलब किस अमाइनो एसिड के बाद क्या अमाइनो एसिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये पूरा अनुक्रम जो होता है वो डिफाइन करते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। अगर एक दो लेटर चेंज हो गया, चेंज मतलब रिप्लेस हो गया, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, मगर अगर बीच में एक घुस गया, आप देखिए पूरा शिफ्ट हो जाएगा कोडिंग, 3 जेनेटिक लेटर से एक कोड होता है। सो फर्स्ट 3 से एक अमाइनो एसिड होगा, सेकंड 3 से दूसरा अमाइनो एसिड होगा, थर्ड 3 से तीसरा अमाइनो एसिड होगा। अगर आप सोचिए बीच में 3 के बाद, सपोज 2 लेटर के बाद थर्ड लेटर में एक नया लेटर आ गया, तो आप देखिए फर्स्ट कोड चेंज हो गया, सेकेंड कोड भी चेंज हो गया, थर्ड कोड भी चेंज हो गया, पूरा कोड चेंज हो जाएगा। अगर मैं बोर्ड में लिख सकता था तो मैं इसको अच्छे से और भी समझा पाता। अगर आप लिखेंगे ऐसा 3-3 लेटर करेंगे जेनेटिक लेटर, और उसे एक एक कोड बनाएंगे, और बीच में कोई भी एक नया लेटर घुसा दीजिए, ये एक लेटर डिलीट कर दीजिए, आप देखिए पूरा कोड चेंज हो जाएगा। सो ये जो फ्रेम है इसका नाम है ओपन रीडिंग फ्रेम, और वो इंसर्शन और डिलीशन से वो डिसरप्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, सो जीन और फंक्शन नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि इज देयर एनी वर्क ऑफ EBE सीक्वेंस एक्सेप्ट बाइंडिंग टू द टॉल इफेक्टर, एंड इफ देयर इज सम अनदर वर्क ऑफ द सीक्वेंस देन हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट नाउ। ओह, द EBE सीक्वेंस, अभी तक जितना जानकारी है EBE सीक्वेंस, उसका नाम इसीलिए दिया है EBE क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का प्रोटीन आके बाइंड करता है पौधे का जीन को इस्तेमाल करने के लिए। सो वो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल है, नॉट फॉर प्लांट। एंड EBE सीक्वेंस को नॉकआउट करके या थोड़ा सा चेंज करके, ऐसे बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया, ओनली डिजीज रेजिस्टेंस को इनक्रीज किया। राइट, आयुषी गुप्ता पूछना चाहते हैं कि कैन वी सेव क्रॉप अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रेन बाय शैल आई रिपीट? या आई कुड नॉट। ओके सॉरी, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं क्रॉप को, तो उनसे बचाने के लिए क्या हम जीनोम एडिटिंग को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेनफॉल? यस, नॉट ओनली रेनफॉल, सपोज यस रेनफॉल, इफ यू आस्क मी, ज्यादा रेनफॉल होता है तो फ्लड होता है, यू नो, एंड सबमर्जेंस हो जाता है। तो नॉर्मली पौधे सबमर्ज कंडीशन में, मतलब अगर वो पानी के अंदर होता है वो बच नहीं पाते हैं, मोस्ट ऑफ द पौधे जो हम लोग खाते हैं, सपोज इवन राइस जो धान के पौधे है, वो उसके तो पानी होना चाहिए उनका फील्ड में, खेती में, मगर फिर भी अगर वो पानी के, पूरा प्लांट पानी के अंदर चला गया 14 दिन से ज्यादा, तो राइस का पौधे भी बच नहीं पाते हैं। सो इसीलिए इवन जीनोम एडिटिंग हम लोग कोशिश कर रहा है, ऐसा एक जीन है जिस जीन को एडिट करके उसको सबमर्जेंस टॉलरेंट बना सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट क्लाइमेट चेंज होने से क्या, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लडिंग, फ्रीक्वेंट रेन हो रहा है, मतलब हमें कोई अंदाजा नहीं है अभी होगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास ऐसा प्लांट होगा, पौधे होगा जो सबमर्ज कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएगा, सो वो क्लाइमेट टॉलरेंट होगा। ऐसा भी बहुत है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जिसमें ड्रॉट टॉलरेंट, ड्रॉट मतलब अगर बहुत दिन से पानी नहीं हुआ,
इसी कंडीशन में क्या पौधे बन सकते हैं, ऐसे भी काम आगे जा रहा है, अभी भी डेवलपमेंट के तौर पे है। That answers your question, Ayushi Gupta. And next question जो है आदिशा सोनी पूछना चाह रही है, वो कह रही है how genome editing D I'm sorry. So how genome editing deactivates the functioning of virus in plants or animals? How does it affect the metabolic pathway? So as I understood from your question, so ये question से मुझे ये पता चलता है, आपने को question पूछा है कैसे virus को function करने से रोकता है genome editing. So अगर कोई भी कोशिका के अंदर आप Cas9 मतलब postman को रख दिया और उसमें genomic address दिया मतलब guide RNA, जो guide RNA आप ऐसे design किया जो मिलता है वो viral DNA से. अभी जब मैं क्या बोला हूँ, वायरस जब इन्फेक्ट करता है कोशिका को, वो क्या इंजेक्ट करता है, उसका डीएनए अंदर इंजेक्ट करता है. जब वायरस का डीएनए अंदर आता है तुरंत Cas9 और गाइड आरएनए जाके उस डीएनए को कट कर देता है. वायरल डीएनए जब कट हो जाता है वायरल वो नंबर उनका संख्या वो ज्यादा नहीं बना सकते है कोशिका के अंदर. वो कोशिका बच जाएगा वायरस इन्फेक्शन से, ऐसे ही वो रोकता है वायरस को और ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो डीएनए को खाली चॉप करता है वायरल डीएनए को. आदिशा ये भी पूछ रही हैं कि जो बेस एडिटिंग हम करते हैं तो उसमें अदर देन टारगेट बेस लेटर्स क्यों नहीं चेंज होते हैं. ओके, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स इसलिए है, आपको टेक्नोलॉजी थोड़ा सा समझना होगा. ये तो पॉपुलर लेक्चर है इसलिए हम ये सब ज़्यादा बताया नहीं डिटेल्स. या एग्जैक्टली, इसमें एक एक्टिविटी विंडोज होता है. बेस एडिटिंग हर जगह पे काम नहीं करता है. ये थोड़ा सा विंडो के अंदर ही वो काम करता है. जहाँ पे गाइड आरएनए आपको डिजाइन ऐसे करना होगा जो आपका टारगेट न्यूक्लियोटाइड ओनली उस विंडो के अंदर होगा, मतलब खाली आपका वही बेस चेंज होगा, दूसरा बेस चेंज नहीं होगा. अगर ये सोच लीजिए एक बेस एडिटर उपकरण से आप सभी तरह का बेस चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक है. सपोज एडेनिन मतलब ए से जी करना चाहते हैं तो आपको एडेनिन बेस एडिटर यूज करना पड़ेगा. जब आप एडेनिन बेस एडिटर यूज कर रहे हो तो ओनली ए कुड बी चेंज, ए को परिवर्तन आप कर सकते हैं मगर सी को नहीं कर सकते, जी को नहीं कर सकते. आप अगर विंडो के अंदर ओनली ए की ए रख दिया जो आपका टारगेट है, आप सेफ है, आपका कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड और चेंज नहीं होगा. ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इफ यू वांट टू नो मोर आई कैन शेयर विद यू सम स्लाइड्स आल्सो इफ यू राइट टू मी. श्योर. तौफीका पूछ रही है कि जीन एडिटिंग को हम ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए यूज कर सकते हैं. आई थिंक वो पूछना चाह रही है उनके क्योर के लिए. ऑटो इम्यून डिजीज के लिए जीनोम एडिटिंग को, यस. सम बहुत सारे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटो इम्यून डिजीज के लिए. ऐसा अगर हमारे पास बहुत अच्छा टारगेट्स है और बहुत अच्छा स्टडी हुआ है ऑटो इम्यून डिजीज के अगेंस्ट में भी, मैं जानता हूँ 2-3 ग्रुप्स USA में थेरापेटिक्स डेवलपमेंट के पीछे लगे हुआ है जीनोम एडिटिंग यूज करके. मगर उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, मगर ऑब्वियसली हो सकता है. या तौफीका, यू नो तौफीका इज माई सिस्टर, सो शी इज माई कजिन सिस्टर, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कैन आई शेयर दिस लिंक टू विद समवन. या ओके ओके या knowledge is for all. Yeah, exactly. And there's a question by Priyanka Nagal who asks, is it possible to remove signal receptors from cell membrane through genome editing? Oh, very good question. Very good question. Bahut acha question hai. So, yes. CRISPR clinical trials में जाने की कोशिश कर रहा है. ऐसा एक therapeutics है जिसमें HIV, you know, HIV जब हमारा एड्स, यू नो एड्स का वायरस का नाम क्या है, HIV है. HIV जब मानव कोशिका में मतलब आते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं कैसे, वो सेल सरफेस में एक प्रोटीन होता है रिसेप्टर, उसका नाम है CCR5 और एक रिसेप्टर भी है मगर CCR5 मेनली यूज करते हैं. CCR5 में आके वो वायरस फर्स्ट HIV वायरस फर्स्ट बाइंड करता है.
अभी जीनोम एडिटिंग से ऐसा कोशिका बनाने का कोशिश चल रहा है जिसमें CCR5 डिसरप्टेड है, मतलब CCR5 प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा सेल। सो CCR5 अगर नहीं होगा सो HIV कैन नॉट बाइंड विद द सेल सरफेस रिसेप्टर, सो इट कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। सो ऐसा चल रहा है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। यस थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन प्रियंका, एंड अभी और क्वेश्चंस के आंसर हम आपसे चाहेंगे, एंड दैट टेल्स के कितनी आपकी जो टॉक है उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस की तरफ से रही है, बहुत पसंद आई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं लेती हूँ, मधुबाला पुरोहित का। इस CRY जीन इन, कैन यू प्लीज राइट द क्वेश्चन अगेन मधु, आपने कुछ शॉर्टकट्स यूज किए। इन द मीन टाइम मैं कार्तिक का क्वेश्चन लेती हूँ, जो पूछ रहे हैं कि व्हाइल जीनोम एडिटिंग व्हेन द लेटर चेंजेस, हाउ इट वर्क्स दैट इट विल पर्टिकुलरली चेंज द लेटर वी वांट टू, व्हाट इफ इट चेंजेस अ लेटर व्हिच इज गुड। तो वो उसी डायरेक्शन में है जो पहले पूछा गया था। मैं ऑलरेडी आंसर दिया हूँ, हाँ और फिर से मैं बोलता हूँ, दिस इज अनदर थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है इसमें। जो है वो बोला है, अगर गलती से दूसरा एडिट हो गया, दूसरा लेटर, सो यू नो समटाइम्स अगर आप कोडोन देखेंगे, कोडोन में बोला हूँ ना, तीन लेटर से एक अमीनो एसिड बनता है। सो फास्ट दो लेटर जो है, सपोज मैं आपको बोलूंगा ATG, सो ATG ये तीन लेटर है, इसमें से मिथियोनाइन अमीनो एसिड तैयार होता है। अगर सपोज, और दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ, TAG को मैं बेस एडिटर अप्लाई करके TGG बनाया हूँ, जो मेरा एग्जांपल दिया हूँ मेरे काम का। सो ये जो टी फर्स्ट दो लेटर ऑफ दैट कोडोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो चेंज हो जाता है तो अमीनो एसिड चेंज होगा, अगर थर्ड लेटर चेंज होगा तो कोई अमीनो एसिड में चेंज नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस। सपोज TAG जब TAA हो जाएगा तो वो भी स्टॉप कोडन है, TAG TAA हो जाएगा वो भी स्टॉप कोडन है, मगर आप बीच का लेटर जब चेंज करेंगे TAG को TGG कर देंगे सो वो स्टॉप कोडन से हो गया ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड कोडिंग कोडन। सो इसीलिए थर्ड लेटर अगर चेंज होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर गलती से फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर चेंज होगा तो उसको कहते हैं बाई स्टैंडर्ड एडिटिंग। वो भी वो एडिट कम करने के लिए भी बहुत उपकरण अभी आई है जो इस्तेमाल करके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो ये सब डिजाइनिंग के टाइम पे बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल होता है और वो देख के हम तैयार करते हैं कौन सा उपकरण इसके लिए सबसे अच्छा होगा, जिसमें बाय स्टैंडर्ड एडिटिंग नहीं होगा, जिसमें दूसरा एडिटिंग होने का चांस कम है, ऐसे करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी दूसरी एप्लीकेशंस, मतलब आपकी जो टॉक है उसमें एग्रीकल्चर पे और मेडिसिन पे दो एप्लीकेशंस थी। तो यहाँ पे डिजीजेस से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे हैं, नेहा कुमारी है जो पूछ रही है कि कैन वी यूज कैस9 टू डिलीट एनी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम लाइक इन डाउन सिंड्रोम। Yeah, this is one wonderful, wonderful question. So yeah, the whole chromosome deletion till now I have not read any. मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं whole chromosome deletion के लिए। जैसे आपने बोला डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा होता है, ट्राइजोमी होता है ना, एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम को आप अगर हटाना चाहेंगे, प्रोबेबली इन फ्यूचर हम लोग वो टेक्नोलॉजी भी देखेंगे, वो उपकरण भी देखेंगे जिसमें होल क्रोमोसोम भी हम हटा सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा कोई एप्लीकेशन मेरा नजर में नहीं आया। और लवली पूछ रहे हैं, सिकल सेल अनीमिया जीन एडिटिंग इज पॉसिबल इन एडल्ट्स और इन एम्ब्रियो, इज दैट पॉसिबल? सुनिए, ये एम्ब्रायो में करने से एम्ब्रायो एडिटिंग इज नॉट अलाउड अभी तक, क्योंकि एथिकल कंसिडरेशन बहुत कुछ होता है। सो आपको अगर ये जो जितना हम क्योर आपको एग्जाम्पल में दिया हूँ, ये एक्स वीवो एडिटिंग है। एक्स वीवो एडिटिंग मतलब ब्लड को बाहर निकलता है पेशेंट से, फिर उस पेशेंट का ब्लड सेल को क्योर किया जाता है एडिटिंग से, फिर वो क्योर्ड सेल उसके अंदर ट्रांसफ्यूशन किया जाता है। ओके सो ये एक्स वीवो एडिटिंग बोलते हैं, इन वीवो एडिटिंग नहीं है। मतलब जो डैमेज सेल है उसको निकालते हैं, उसको फिर रिपेयर करके फिर वापस एनग्राफ्ट करते हैं।
सो इसको कहते हैं एक्स वीवो एडिटिंग। आप गूगल कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा से स्कीम आपको मिलेगा देखने को और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और नेहा कुमारी पूछना चाह रही है, कैन वी यूज दिस एडिटिंग इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बाय मर्जिंग डीएनएस फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस बाय व्हिच वी कैन मर्ज न्यूट्रिशन फ्रॉम टू टाइप ऑफ प्लांट्स। Somatic hybridization, so for somatic hybridization, I think हम लोगों को जरूरत नहीं है जीनोम एडिटिंग यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों का न्यूट्रिशन एक करना चाहते हैं तो अगर आप फ्यूज करेंगे, somatic hybridization करेंगे, तो वो ऐसे ही क्रोमोजोम दोनों का न्यूक्लियस का कॉन्टेंट एक जगह पे आ जाएगा। सो उसमें एडिटिंग का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम आ जाएगा मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और वो सेल दोनों टाइप का न्यूट्रिशन तैयार कर पाएगा, उसमें एडिटिंग करने का तो जरूरत कोई नहीं है। और मे बी हम बहुत लंबा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं ऑडियंस से। सुलग्ना दत्ता जी पूछ रहे हैं कि इज जीनोम एडिटिंग लाइक क्रिस्पर कैस9 फुली एफिशिएंट, आई मीन इन प्लांट देयर इज सेल वॉल, and then also she writes words of appreciation for you. Thank you sir, I'm literally biggest fan of yours and I don't want to digress, but I see a lot of compliments coming for you this way. We also have Dr. Nishi Mathur who appreciated your presentation. Dr. Veda Krishnan is also writing words of appreciation for you, and we see a lot of this sign coming up for you. So yeah, getting back to the question, genome editing like CRISPR-Cas, is it fully efficient because of presence of cell wall in the plant? Yeah. That's a very relevant question. Bahut relevant question pucha hai. डिलीवरी जो रिएजेंट है, मतलब हमारा जीनोम एडिटिंग का उपकरण को अंदर डालना है कोशिका के अंदर, नहीं तो जीनोम एडिट कैसे होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है और जीनोम है। सो इसीलिए सेल के अंदर उसको डालना पड़ेगा, इसको कहते हैं डिलीवरी। ये पूरा एक नया मतलब एक अलग एरिया है जिसमें बहुत रिसर्च चल रहा है। सो इसीलिए प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं रहता है, खाली सेल मेम्ब्रेन रहता है। सो उसमें ये डिलीवरी ईजी है, खाली इंजेक्ट करने से, माइक्रो इंजेक्ट है, लाइपोफेक्शन है, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स है, वायरल बेस्ड डिलीवरीज है। मगर प्लांट में इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो प्लांट में कम है डिलीवरी मेथड्स। हम जो यूज करते हैं दो यूज करते हैं, एक है गन, बायोलिस्टिक गन बोलते हैं, जिसमें हम गोल्ड नैनो पार्टिकल और गोल्ड पार्टिकल के साथ डीएनए को मिक्स करके एक हीलियम प्रेशर देके वो सेल के अंदर डालते हैं, जो सेल वॉल पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं। यह सक्सेसफुल रहा है, हमारा पीएचडी में मैं उसके ऊपर काम किया हूँ। फिर बाद में जो हम अभी आपको जो रिजल्ट दिखाए हैं वो क्या किया, वो इस्तेमाल हम लोग किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बोल के एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और उनका डीएनए वो ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। सो वो इस एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग एज ए वेक्टर मतलब कैरियर के हिसाब से इस्तेमाल करके हम एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमारा जीनोम एडिटिंग रिएजेंट्स जो है, मतलब वो जो कैस9 और गाइड आरएनए, वो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर में डाल देते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ना मतलब उनको तो नहीं पता है किसका डीएनए है, वो ना जानबूझ के वो डीएनए प्लांट के अंदर डाल देते हैं, वो सोचते हैं ये मेरा ही डीएनए है, ठीक है। सो उसको हम लोग यूज करते इस्तेमाल करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को ये ट्रांसफॉर्मेशन में। सो ये बहुत एफिशिएंट है हमारे हाथ में तो एटलीस्ट। और मधु बालाजी का क्वेश्चन वो दोबारा पूछ रहे हैं कि क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन ऑफ बैकिलस थ्यूरिंजिनाइसिस, कैन दैट अफेक्ट ह्यूमन जीनोम? अच्छा, ये क्वेश्चन रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू माय प्रेजेंटेशन, बट फिर भी मैं इसको जवाब देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सो क्योंकि देखिए ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट पौधे बनाने के लिए ये क्रिस्टल प्रोटीन को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से पौधे के अंदर डेवलप करते हैं, और जब इंसेक्ट आता है उसको इंजेस्ट करता है, इंसेक्ट मर जाता है। ये नॉर्मल एक मतलब मोड ऑफ एक्शन है, कार्य करने का ये वे है। मगर क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिक होता है इंसेक्ट में, मगर कभी एनिमल में नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए एल्कलाइन गाट चाहिए।
9.5 पीएच 9.5 के ऊपर जिसका गट में 9.5 पीएच है उसमें वो एक्टिव होता है और उसमें इफेक्टिव होता है। हमारा अगर देखेंगे ह्यूमन का जो गट है स्टोमक में जो पीएच है वो 1.5 है, वेरी हाईली एसिडिक। सो 1.5 पीएच में क्राई प्रोटीन तुरंत नष्ट हो जाता है, वो कभी फंक्शन नहीं करता है। सो क्राई प्रोटीन ह्यूमन के लिए एग्जैक्टली 100% सेफ, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 से 12 साल पहले से ये पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में ये ह्यूमन इंजेस्ट भी कर रहा है, कोई भी बैड इफेक्ट का सामने नहीं आया। यस ओके एनी प्रॉब्लम सुगंध, एम आई ऑडिबल? Hello. Yeah, yeah, sir. It is audible. Oh, okay. So I'm done with the answer, I think. Yeah. Thank you, Dr. Mona. Questions are bhi aa rahe hain, lekin waqt ka dhyan rakhte hue. So I can even if they want, they can write to me. I'd love to answer their question, their queries, because this is the main aim of this kind of popular webinar. So I would love to answer. Question, no problem. So they can write to me also. I can give the answer in writing also. Thank you, Dr. Mona, for such a nice gesture. And so, जो students or audience में जो भी कोई और detail में कुछ भी जानना चाहते हैं इस area के बारे में तो आप Dr. Mona को directly लिख सकते हैं. And that's very nice gesture of him. And बहुत ही अपने busy schedule में से time निकाल के young scientists यहाँ पे आते हैं, आपको present करते हैं. तो I really appreciate all your efforts in bringing so many things compactly in a talk of 1 hour and presenting it to students. I'm very much delighted to have you here as a speaker. Thank you so much, Dr. Mona. I'll hand it over to Dr. Manuna. Thank you, Dr. Mona. आपका talk बहुत ही शानदार talk था. और in fact, Dr. Veda Krishnan जो INEOS से थी, उनका भी टॉक था. एक बड़ा ही मतलब एक नॉट ओनली उसमें एक फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ नॉलेज दोनों चीजें थी. और द सेम थिंग इज विद दिस टॉक आल्सो, मतलब बहुत ही, और इंडिया में और इवन वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही हैं, भले ही वो आईटी सेक्टर है, तो उसमें एक आपका ये जीनोम एडिटिंग या बायोटेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, ये भी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है जिसके पास जो ना केवल बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब अगर आप उस तरीके से जाएं कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, आपका क्रॉप यील्ड है उसको इंक्रीज करना है, ये जो डिजीज है उसके बारे में सोचना है और उसको क्योर करना है. तो और मुझे लगता है हमें मतलब इंडिया को जरूरत है कि क्योंकि लुकिंग इनटू अवर पॉपुलेशन 135 crore जो हम लोगों के पास है, उसको बहुत उसकी बहुत सारी नीड्स हैं, उसकी आवश्यकताएँ हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमें जरूरत है ऐसे साइंटिस्ट की. तो आप हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर मौला. मुझे लगता है मैं डॉक्टर माहेश्वरी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जब भी कोई दूसरे प्रोग्राम्स भी करेंगे इस जो स्टूडेंट्स में स्टेम को बढ़ावा देते हों, तो हम जरूर से चाहेंगे कि डॉक्टर मौला हमारे साथ वापस से एक बार जुड़ें और अपनी लर्निंग्स जो उन्होंने शेयर करी हैं, क्योंकि आज तो मिली काफ़ी उन्होंने टेक्निकल टॉक अपना जो है पूरा शेयर किया, लेकिन उनकी जर्नी जो जरूर से एक इंटरेस्टिंग जर्नी है कि एक इंस्पिरेशन जिससे स्टूडेंट्स को भी मिले कि इस तरह की चीज़ें देखें क्या होता है, ये मुकाम जिंदगी में हासिल करना एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क है वो जरूर से हमारे स्टूडेंट्स को भी पता लगना चाहिए जिससे. और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इनको आप नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसा डॉक्टर वेदा कृष्णन ने भी शेयर किया था उस दिन कि एक पोजिशन था और वो एग्रीकल्चर सर्विस के अंदर उन्होंने उसको एफर्ट किया उसके लिए बिना ये सोचे कि एक पोजीशन है तो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉक रहा आपका डॉक्टर मौला. सो नाइस ऑफ यू. एंड INEOS का भी बहुत बहुत धन्यवाद. और स्टूडेंट्स को जरूर मैं शेयर करूँगा कि इवन आप अपने जो साथ में जो देखिए आप लोग सभी जो मुझे लगता है कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये नॉलेज जरूर शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि
ये चीज क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम जब सीख रहे थे, तब हमको ऐसे ही लोग मिले, अच्छे लोग मिले, और उनके सारे ही आपको वो एक जर्नी, जो सक्सेस जर्नी होती है, वो आगे लेके जाती है। तो आप ये टॉक जो हो रही है, ये डीएसटी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर तो अवेलेबल है ही, अदरवाइज आप आपके जो एमएससी के जो पार्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को मतलब हिंदी के अंदर एज अवेलेबल हो पाएगा। तो इसके लिए मैं इन्यास का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऑफ कोर्स हमारे जितने भी लर्नेड स्पीकर जो इन्यास के थ्रू हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, उन सबका भी। डॉक्टर मौला, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स टू डॉक्टर सुगंधा माहेश्वरी ऑल्सो। थैंक यू। सो यू नो आई शुड थैंक, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया। सो ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस को प्रचार देने के लिए। सो बहुत अच्छा ये स्टेप्स है, एंड मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप दोनों को जो फोर फ्रंट में आके इसको संभाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू।